तो किस तरह से देवी देवता हमें दुख देते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे। जब हम देवी देवता की पूजा करते हैं और करते रहते हैं और निरंतर चलते रहती है, और इसी बीच हम जान जाते हैं कि भगवान कृष्ण और सारी कृपया भगवान कृष्ण से मिलती है, तो हम उस देवी देवता की पूजा बंद कर देते हैं, फिर भगवान कृष्ण की पूजा करने लगते हैं, जो कि जान जाते हैं कि भगवान कृष्ण जो सब देवताओं और देवी देवताओं देवी पर भी उनकी कृपया बरसती है, तब हम भगवान कृष्ण की पूजा करने लगते हैं। तब उसी समय देवी देवता हमें कष्ट देना शुरू कर देती है। जैसे कि भगवान की एक लीला है वृंदावन में, जब इंद्र की पूजा उन्होंने रुकवा दी थी, तो इंद्र अज्ञान में ही उनको लगा कि बाल कृष्ण एक साधारण से बालक है, और जिसके कहने पर ये सारे ग्वाल हम मेरी पूजा ना कर कर इस गोवर्धन की पूजा करें। तब तो उसने घोर अपने बादलों को आदेश दिया कि वृंदावन को बारिश में भीगो दिया। उसके बाद जब कृष्ण ने उसे सबक सिखाया, तो वह आकर भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगता है। तो इसी तरह हम देवी देवता की पूजा अगर करते हैं तो करते रहते हैं, अगर अचानक छोड़ देते हैं तो देवी देवता हमें कष्ट देना शुरू करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की सच्चे मन से अगर हम पूजा करते हैं और उसमें निष्ठा लाते हैं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को जाहिर करते हैं, या तो कृष्ण कृपया से देवी देवता भी हमसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो जरूरी है कि किसी भी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये सारे हमें कष्ट देते हैं, और कष्ट देते देते इतना कष्ट रहता है कि हम उन पर निर्भर हो जाते हैं। तो हमें इससे निकलने के लिए जरूरी है कि हम भगवान कृष्ण के शरण में जाएं और उनकी पूजा करें। तो आप सभी से निवेदन है कि भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भाव श्रद्धा को कीर्तन के माध्यम से लाइए। हरे कृष्णा।